मेरी वेस्टी करना मैं नंबर वन है कभी ने लोग अगर मेरे को कुछ बोलेंगे तो तेरे खून कर दूँगा। मैं आजकल एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ जो मेरे लिए बड़ा काम कर रही है। जितना मर्जी खराब मूड हो ना, रूम से निकलने से पहले याद दिलाना है कि भाई कि जो अपनी इमेज बनी हुई है ना अच्छी, वो पैरामीटर है, उसको मैच करना है। तो यार जो मर्जी मूड है डजंट मीन कि तुम गिलास जोर के टेबल पर मार दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे। ये एक सेथ गॉर्डन करके ऑथर है, उससे सीखा मैंने। कल इसकी एम्पुटेशन हो गई फाइनली। पता है इसका बड़ा हमें चक्कर लग रहा था क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी ना, तो पूंछ काट नहीं सकते थे भाई, सर्जरी कर नहीं सकते, और पूंछ ना काटे तो इसको सेप्सिस हो सकता था। हमारी एक गाय ऐसे मरी थी, हम सर्जरी करने में देर हो गए थे, तब से मुझे डर ही लगता है। ये सर आपने इसको सुन कराया क्या? हाँ। किस लिए? पेन ना हो, लाते ना मारे। कर क्या रहे हैं इसके साथ? टेल एम्पुटेशन। जो कि काफी दिन बाद कर रहे हैं ना इसकी टेल एम्पुटेशन। कंडीशन ठीक नहीं थी इसका, आई थी तब इसको डायरिया लगा हुआ था, ब्लड ब्लड अपने प्लेटलेट्स कम है, बहुत सारी चीजें थी। सिर्फ प्लास्टिक की ट्यूब से क्यों बांध रहे हैं इसे? थोड़ी ब्लड सप्लाई है रोकने के लिए, ताकि इतनी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ना हो। डॉक्टर साहब खोल लिया आपने अपनी सर्जरी की पोटरी? हाँ जी खोल लिया है। सही लेके चीज़ के इंजेक्शन दिए तूने? पेन किलर और ब्लीडिंग का। इससे ब्लीडिंग नहीं होगी? कम होगी। जॉइंट से रिमूव किया, जॉइंट के बीच का से नॉर्मल ब्लेड से काट के। पर कमज़ोर होती है हड्डी जो नॉर्मल ब्लेड से कट जाती है? जॉइंट के बीच में हड्डी है ही नहीं ना। तो सर अब हम इसको सूचर करेंगे, इसी पूंछ को हैं पैक कर देंगे। हाँ भाई चाशनी। चाशनी रखा है इसका नाम? अभी रखा नहीं है, अभी जैसे वो है कि बच्चों का नाम रखने से पहले तुम उन्हें कुछ कह देते हो, पर मेरे को तो चाशनी ही अच्छा लग रहा है। चाची शूट नहीं कर रहा? नहीं यार एक तो रिलेशन इम्प्लाई कर रहा है। कल सर बेबी की भी एम्पुटेशन हुई है। हाँ बेबी की एम्पुटेशन सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा तो इसको हम बिना एम्पुटेशन के नहीं हील कर पाएंगे? सर उसकी ना बोन्स सारी टूट गई है ना विक्की। क्या दीदी? पता तुम्हें सारी बोन्स क्रैक हो गई है उसकी। कुछ और जुगाड़ नहीं है? तुझे लगता है अगर जुगाड़ होता वो नहीं करते और हम उसकी टांग काट देते तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये तो है दीदी। तो सर इसकी वाली जो एम्पुटेशन है जॉइंट वाली है इसकी भी? जॉइंट वाली है। ओके इतना सही लगता है ना मुझे, मतलब नॉट कि उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ, ये सही लगता है कि ये लोग एकदम बाउंस कर जाते हैं, वो अभी पूंछ हिला रही है। खुश है मतलब मेरी अगर कभी टांग गड़े एक तो पहले फिजिकल पेन, फिर उसके बाद भाई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये ले मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस यार एडजस्ट करने में ही। मैं कह रहा हूँ पैर को छोड़ दो, मतलब पैर की एक आध उंगली कट जाती है जिसको मैं इस्तेमाल भी ना कर रहा हूँ तो भी दुख होगा कि कुछ चला गया। वो इसका प्रोलैप्स वाली जो गाय है चंदा, इसका अपन क्या प्लान क्या है? इसका जो हमने कल रोप क्रॉस लगा के ट्राई किया वो तो टूट गया था ना? वो नहीं काम है क्योंकि रस्सी दूसरी थी। वो कौन सी रस्सी थी? वो नॉर्मल जूट वाली रस्सी जो होती है। तो चुभती नहीं? इतनी चुभने वाली नहीं थी वो। अच्छा ठीक है। वो सिर्फ लिप्स के नीचे से जाएगी और ऊपर से तो वल्वा के लिप्स के नीचे। अच्छा तो फिर आज साहिल को मैंने बोला कि दूसरा कपड़ा जो चपटा वाला होता है वाइट वाला तो वो मंगवा देगा, उससे भी एक बार ट्राई करेंगे हम। अरे इसको क्या हो गया झिलमिल को? सॉरी है इसको यही जगह, इसको बड़ी और जगहें पसंद है भैया सोने के लिए। कटो यहाँ से, यहाँ पे तुम क्यों बाकी जानवरों को सता रहे हो? मक्खी है, मुझे लगा यार इसको भी वॉर्ट हो गए। बाय द वे जो वॉर्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ स्पॉट को रखा है, मुझे लगा था कि अपना राजकुमार से हो गया है, पर ये स्पीसी स्पेसिफिक होते हैं। तो जो गाय वाला वॉर्ट है वो और गायों को हो सकता है, डॉग को नहीं होता, तो उसको कहीं और से हुआ है। मॉर्निंग। कुछ कह रहे दीदी आप? कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी कोई टिप्पणियाँ नहीं आई व्लॉग में काफ़ी समय से। मतलब कि आपका कोई, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ डांटा नहीं। किसको? तेरे को? मेरे को। तो मेरी वेस्टी करना मैं नंबर वन है कभी ने लोग अगर मेरे को कुछ बोलेंगे तो तेरे खून कर दूँगा। ओ यार इसका आज दोनों ही बाहर हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या हुआ। इसका इसमें कल रस्सी बांधी थी, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ? पूछता हूँ डॉक्टर मानसू जी से, कोई खास थोड़ी अलग तरह की रस्सी मंगाई है। हे डॉक्टर मानसू,
कल वो फिर प्रोलैप्स वाली गाय के लिए अलग तरह की रस्सी मंगाई थी ना वैसे फ्लैट वाली, क्या हुआ उसका? प्रोलैप्सिन पाउडर है, इससे क्या होगा? प्रोलैप्स को अंदर करने के लिए काम आता है। रेसिन भी यूज किया है जो कि थोड़ी सी स्वेलिंग कम करने में हाइड्रोस्कोपी कहते हैं हेल्प करेगा। थक गई होगी ना ये बहुत ज्यादा? हम नहीं थके। नहीं नहीं यार, मतलब सारे थक गए इसलिए बैठ रही हूँ। ये गाय तो उठ नहीं रही है, तो हम इसको भी हॉइस्ट करेंगे। हॉइस्ट करने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। सक्सेस तो हो गया ना सर अभी? ये सुबह का चलेगा। कब रुक गया आपने? गंदगी करवा दी आज। चले आपने करवाई आज? मेरे भी तो हुए हैं। मेरे भी हो गए थोड़े। क्या ऐसा है भाई? ये मैग्नीशियम सल्फेट। इससे क्या करोगे आप? पिलाएंगे गाय को, पेट साफ करने के लिए पिलाएंगे। उसका पेट साफ क्यों करना है? सख्त हो रहा है साहब। इसको तीपार से उठा के ले जाएंगे? हाँ, वो एपिड्यूल दिए ना काम काम में। अच्छा, तभी बार बार बैठ रही थी ये? क्या हम लगा के छोड़ गए थे उसको बिठा के, फिर सुबह को फोन आया था कि वो बहुत लेटी हुई थी और बहुत टाइट हो गई थी रस्सी, वो तो मैं वो सुबह से खुलवानी पड़ी मुझे और फिर कोलैप्स बाहर आ गया। इसका होगा क्या? पेट सख्त है उसके लिए तो हम पूरा लेक्सेटिव भी दे रहे हैं। कल मैंने मैक्सल भी पिला दिया, दो बोतल पैराफिन की पिलाई थी सुबह, तो भी उतना लूज नहीं हो रहा है पेट इसके जितना होना चाहिए खाली हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंट भी है और प्रेशर उससे भी है। प्रेगनेंट है? हाँ प्रेगनेंट है, कल चेक किया। देखते हैं कि अब अबॉर्ट करने का कैसे करने हैं। अबॉर्ट करने का भी फिर वो डिस्ट्रोकिया का रिस्क होगा, फिर डिस्ट्रोकिया के साथ यूट्रन कोलैप्स के भी चांसेस हैं और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इसमें। मैं आज का दिन एक बार फिर ट्राई करूँगा कि दूसरे मेथड से कुछ तो इफेक्ट आए। दो बिल्लियाँ और आ गई हैं ना? हाँ सर, और बिल्ले ने अटैक किया। एक्चुअली ये दो किटन्स लेके आए हैं बटेट से, और एक कैट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरी है। बस हो गया बच्चे, आई एम सॉरी, बस हो गया। एक गर्दन में भी लगाया है? देखते हैं, वो तो अभी मैं टच नहीं कर रही क्योंकि पेन में होंगे, है ना। मैं इनको सेटल डाउन करती हूँ, है ना। आज बहुत कुछ हो गया। हेलो, एक तरफ सर्जरी चल रही है, फिर इतनी सारी फ्लूइड थेरेपीज। उनका साइन कर दो ना आपने नाम के नीचे, ठीक है? ओह माय गॉड, है जान सर। बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, चल नहीं पा रहा। एक साइड का दोनों हिस्सा फ्रैक्चर हो, तो उठने की भी स्ट्रगल थी ना, एक साइड से तो उठ नहीं पा रही थी। है बिल्कुल खत्म हो गई, थोड़ी बहुत जान है इसमें। नहीं है? नहीं। तो इसकी डेथ का रीजन पेन ही है सर? पेन नहीं बोल सकते, शॉक भी बोल सकते हैं। इसे काटने का तो शॉक ज़्यादा था। साथ में ही उसकी सेम सिबलिंग ही थी, वो तो ठीक है बिल्कुल। वो मेरे घर में है अभी क्योंकि कल बहुत डर गई थी। वहीं रहेगी नहीं? जब तक अडॉप्शन नहीं होती, जैसे यूजुअली पहले वही होता था ना कैच, अब इसके साथ इसकी मदर है तो मैंने इसको नहीं किया। ठीक है, एक जो ना थोड़ी स्ट्रेसफुल बात है वो ये कि कल ये जैसे ट्रीटमेंट स्ट्रीट करके आए हैं तो दो तो वो थे, एक तो वो बेचारा वो बछड़ा जिसके दांत वो थे। हाँ, ये काली वाली गाय है और उसका बच्चा जो है पीछे चल रहा है छोटू, इसका इलाज कर रहे हैं। बच्चे का इलाज करना है ना? बच्चे का इलाज करना है। वहाँ अटैक किया बहुत ज़्यादा। हुआ क्या सर बच्चे को? उसके मुँह में चोट लगी हुई है एक्सीडेंट की वजह से। हम पहले भी पकड़ चुके हैं इसको? पहले पकड़ चुके हैं दो बार। तब करी कुछ तोड़ फोड़ इसने? हम बचे। बच्चे को मत करना अभी, अभी मत करना, बहुत गंदा उछल रही है। पकड़ 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 पकड़, आ जा आ जा। दांत टूट गए थे इसके, कीड़े थे कल, दवाई डाल दी थी मैंने, आज क्लीनिंग कर देंगे पूरा प्रॉपर। की दुकान वाले सब तो नहीं है अभी? कोई कीड़ा नहीं है? नहीं है ना, कोई कीड़ा नहीं है। ये एंटीबायोटिक्स के और पेन किलर के इंजेक्शन है, बाकी हमने ड्रेसिंग कर दी है। सेकंड वो एक डॉग को कल्पना जी के यहाँ शिफ्ट कराया है।
सर ये वही वाला डॉग है ना, पैरालाइज वाला? पहले तो इसके सेंसेस भी नहीं थे ना। हाँ जी, लेकिन अभी जैसे इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं तो अब इसको पेन फील हो रहा है पीछे। अच्छा, सेंसेस वापस आ रहे हैं। हाँ, इसको अभी हम कल्पना आंटी के घर लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे इसको प्रॉपर केयर मिल सके। सर ले रही वजन अभी? थोड़ा हल्का हल्का सपोर्ट के साथ ले रही है। ये वाली चोटें मतलब वहाँ लेटे इसको बेड सोर टाइप हुआ है। इसका नाम बाछुरी रख दूंगी मैं, इसका कुछ भी नाम रखूंगी, बिना नाम के बच्चे नहीं रखने में। मेरे पास में 5 डॉग है जिसमें 2 कोई फीडर थे वो घर के अंदर ही आ गए, 3 मेरे पेट है ना, उनके से ये बेचारे देसी डॉग ही है मेरे ना। अच्छा अच्छा, दे हम तो देसी लोग वाले हैं भाई, देसी लोग देसी डॉग बहुत ही प्यारी भाई। ये नहीं है, यहाँ पे तो सिरप शुरू हो जाएंगे, सब कुछ शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज से करना के करानी इसको थोड़ा सा, जैसे मसाज तो मैं करती हूँ सबकी, 5 की होती है इसकी भी हो जाएगी। फिर लटका लेना ऐसे लटक जाएगी 10 मिनट ना, 10 मिनट के लिए। हाँ, सवेरे और शाम कर जाऊंगी ना, सवेरे मॉर्निंग में कर जाऊंगी ना स्कूल जाने से पहले। उसके अलावा भी ये एक तो कोई गाय थी जो नानक ने बुलाया था। हाँ जी, उसको मैगेट पड़ गए। कितने दिनों से? ये तो हो गया मुझे 4 दिन हो गए देखते हुए इसको। इतनी अंदर कैसे आएगी वो चल के? लग नहीं रहा डॉक्टर साहब यहाँ होगी। इन पत्थरों में कैसी आई होने की भाई? ऊपर से गिर गई होगी शायद, या तो बच्चा है यहाँ। हाँ, इसका बच्चा मर गया है। गाय कहाँ है? गाय जी मैंने वहाँ पे देखी थी ना कल, पास पता नहीं थी आप कहाँ से पहुँच गए। मुझे गिरी लग रही है मेरे को कि भाई ऐसा लग रहा है क्योंकि जख्म भी है। उड़ जाओ उड़ जाओ, कोई खड़ी तो होगी ना, बहुत कमज़ोर होगी है। रास्ता तो नहीं है, मत पता नहीं कैसे पानी पुनी पीने के बहाने आई किधर। इसके तो ऑइंटमेंट ही कर रहे हैं ना, फीमेक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठे और ज़्यादा। अभी मैगेट्स पड़ गए? मैगेट्स ने अंडे दे दिए हैं, स्वेलिंग है, कल तक तो कम हो जाएगी। देखते हैं इसको यहाँ से निकाल के ना, यहाँ से निकालने का वहाँ पे हम जो साइड में कर देते हैं बांध देते हैं इसको। हाँ, बाहर निकाल लोगे तो हमारी काफी मदद हो जाएगी जी। निकाल देंगे बाहर। ट्रीटमेंट इसका ज्यादा बड़ा नहीं, जख्म इसका जो पिछला वो अभी आज जो हमने दवाई भरी है ना उससे जो कीड़े हैं वो तो आज डेड हो गए, कल तक निकल आएंगे। बाकी डेली इसका वही है ऑइंटमेंट लगेगी, स्प्रे होगा। उन्होंने फिर वो गाय वापस कट से बाहर निकाली, ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आ गए थे, फिर हमने उसे रेगुलर फॉलोअप लिया गाय का, फिर उसे वो गाय मिल नहीं रही थी। फिर अभी हमने दोबारा फिर फॉलोअप लिया तो उसने बताया कि जो उस गाय की डेथ हो गई है, और एग्जैक्टली उसने खुद नहीं देखा, उसको भी किसी ने इन्फॉर्म करा कि वो गाय ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी एंड वो गिर के उसकी डेथ हो गई। ठीक है, एक अपने मैगट केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो मैं भाई समराइज कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि एक तो नाम कईयों के तुमने रखे हैं, कईयों के मैंने रखे हैं, कईयों के तो नाम रखे ही नहीं गए। एक तो हॉज पॉज की तो रिकवरी बड़ी अच्छी है जिसका सर पे, ठीक है, जो शोर मचाता था अब शांत है। शांत है, उसने घर तोड़ रखा अपना। हाँ, वो बेटर फील कर रहा है, और उसने वो सीमेंट वाला घर तोड़ दिया, वो तो हॉज पॉज हो गया। फिर वो जिसके यहाँ पे है वो बहुत रोता है। सर यहाँ वाले ना हमारे पास तीन डॉग, जिसके बड़े सारे वो मैगट झड़ते हुए आए थे। जो रोता है वो रेडियो है R2 में। एक जो है वायर ट्रैप जिसके नेक में था, जो बहुत ही बेहोशी की हालत में आया था, जिसमें सारी टीम गई थी, वो रम है ना, सारी टीम जो मीडिया वाले भी सारे गए थे। हाँ, वो रम है। उसके बाद एक लेके आए हैं ये लोग नाले से अंदर से, उसका नाम रबर है। रबर है, रबर। उसने नाम किसका गलत डाला है? सांप ने, रेडियो का शायद। वो अभी कह रहा था कि मैंने जब डिस्कस कर रहे थे ना अंदर, तो कह रहा यार मैंने शायद उसका नाम रेडियो डाल दिया है, रबड़ का नाम। एक बात बताओ, अभी तो ये जब पपीज बड़े होंगे तो मुसीबत है। ये तीन है ना। पेटू दिखाएगा अपना, क्या देखना तुम? देख पेटू दिखा दे। ये पपी कल पालमपुर से हमारे साथ आया, पालमपुर हमारी टीम गई हुई थी 2 हमारे रेसिडेंट एनिमल्स का चेकअप करवाने के लिए। वहाँ पर किसी ने हमारी गाड़ी देखी और वो इस पपी को रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट कराने वाले लेकर गए हुए थे। वो बाहर के हैं, आउट ऑफ स्टेट के हैं, इस वजह से उसको रख नहीं सकते थे और उनको जाना था यहाँ से, इसलिए हम उस पपी को यहाँ लेकर आए हैं। उसने कूड़ा खा लिया था शायद जहाँ पर ये था, इस वजह से पेन था काफी ज्यादा पेट में, और ये गैस्ट्राइटिस का इशू था और ये पड़ा हुआ था एक जगह पे। एंड इसकी फ्लूइड थेरेपी चल रही है और एंटीबायोटिक चल रहा है और गैस्ट्राइटिस के लिए पेंटॉप इंजेक्शन चल रही है, और अभी हम बाकी चीजें जो है डीवॉर्मिंग हो गया और टिक 4-ON ट्रीटमेंट हो गया, वैक्सीनेशन। पालमपुर की बात हुई है तो तुम पहले बता दो कि उन्होंने कहा क्या, चार्ली का क्या कहा है? उसमें कोई ट्यूमर तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही है जिसके लिए उन्होंने, जो गर्दन की है। मैं कहा था ना
गर्दन का सूजा हुआ है, गर्दन की तो क्रॉनिक नहीं है, जो उसकी पेट वाली वो क्रॉनिक है। गर्दन का क्या है वो? मैंने एब्सेस ही बताया कि मैं चार एब्सेस अभी हार्ड है, तो उसके लिए उन्होंने सुमैक दिया है ताकि थोड़ा पके और वो ड्रेन हो जाए। फिर सुमैक आप बता ही दो, बात हुई है तो लोग किस केस में लगाते हैं? अगर अंदर कुछ फोड़ा हो जिसे हम कहते हैं, फोड़े के ऊपर ही लगाते हैं ना ताकि वो पस करके हट जाए। एब्सेस के ऊपर लगाते हैं और फिर जहाँ पे फ्लूड हो उसको ड्रेन करने सोखने के लिए वहाँ लगाते हैं। एब्सेस यही हुआ ना कि अंदर एक स्किन के नीचे पस पॉकेट बन गई है, सबक्यूटेनियस है ना, फोड़ा ही हो गया। ये बहुत शैतान है सर। तुम बहुत शैतान हो विक्की। मैं नहीं कहता। नो। इसने देखो टीका भी लगा रखा है। मेरे ख्याल से तो इन सब में से सबसे पहले यही अडॉप्ट होगा। अरे हाँ। मेरे हिसाब से चिटकिस तो नहीं होगा सर। चिटकिस सबसे पहले होगा। तुम्हें क्यों लगता है चिटकिस नहीं होगा? थ्री लेगेड। बल्कि थ्री लेगेड है तो और जल्दी होगा, कैरेक्टर है। तुम्हारे कुत्ते बढ़ जा रहे, चिट्टे काले कुत्ते मिक्स हो जाते हैं, तुम्हें पता है मेरा वाला ही है, तीन पैर वाला। ये तो बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है कि भाई मैं उदास हूँ। ये इनके वो होते हैं शुरू में, फिर इनको आप अडॉप्ट कर लो, हाय बेचारा अडॉप्ट कर लो, फिर तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। कहानी दोनों वो आए थे तो वो लोग कम से कम मतलब 3/4 ऑफ द डे सोए हैं ना, पूरा दिन सोए। हमें तो ऐसा लगा बापरे इनसे सीधा कोई नहीं है दुनिया में। और उसके बाद तो दो लड़ाई करते, कुश्ती चलती रहती दिन भर इनकी। कहानी सुनानी है? दिन भर कुश्ती, दिन भर कुश्ती। इसका नाम नहीं रखा अभी? कल शाम को यार, अभी तो सब पता नहीं था मुझे, मेल है फीमेल है। आप रख दो इसका नाम। हाँ। इसका नाम जोजो रख दो। तुम कमेंट करना ना, तुम्हारे तो दो तीन ट्रोल अकाउंट भी हैं जिनसे यूजुअली कमेंट आते हैं, अरे विक्की भाई ग्रेट है, विक्की भाई की मस्त एडिटिंग है। तुम्हारे लिए कमेंट आया था कि ये एटम टैटू की क्या कहानी है, अगर तुम बताना चाहो तो, या मना करना चाहते हो? नहीं, इट्स टू पेनफुल मेरे लिए। आपने पूछा, मैं पूछ ही सकता था। क्यूट। ये सो गया आपकी गोदी में? गायों को यहाँ बहुत पसंद आता है, गले के नीचे ना, बिल्कुल डॉगीज की तरह। अच्छा, हमारी वो जो कैट वाली अडॉप्शन वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया, पर अडॉप्ट हुई है कोई? नहीं, नहीं। दोनों यही है? दोनों, एक तो नहीं अडॉप्ट करा रहे, मदर को नहीं अडॉप्ट कराएंगे, वो ओल्ड है एंड शी विल बी हैप्पी अगर हम उसे बाहर ही रिलीज करें। एंड जो बच्चा है वो अडॉप्शन पे, तो मदर इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि बच्चा यहाँ पे है। नहीं, मदर को चोट है ना सर पैर में, तो बहुत अच्छी हीलिंग चल रही है, शैतान है दोनों बहुत, कोई मतलब नहीं है इसको कहाँ, बस पता है खाना मिल रहा है तो फिर पड़े रहना है। बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जानी चाहिए ऐसी बिल्ली पर। हो वही है ना कि अभी दिख अजीब सी रही है थोड़ी, लेकिन हो जाएगी सर अडॉप्ट। बढ़िया लग रही है, लोग नहीं समझते लुक्स से जज करते क्योंकि जब हमारे लुक्स ही तो अच्छी लग रही है, बाल नहीं आए ना। कैट्स होती है ना हमारे पास, नहीं भी होती है तो अच्छा, मेरे को ब्रेन से हाँ मिलना था। ब्रेन मैं नेहा को बोल दूं, अडॉप्टेबल्स में है ना ब्रेन। ये हमारा ब्रेन। इसके ये क्या हो गया नीचे? वो आई थिंक स्किन वाला टेस्ट किया था ना। अच्छा, लेकिन हाँ सही है, बायोप्सी हुई थी ना इसके ऊपर, कैंसर नहीं है। बाल आना शुरू हो गए? हाँ, बहुत अच्छे। दिखा भी तो अपना, ठीक है, काफी सही है, बहुत फ्रेंडली है यार। इसको कर लो आप अडॉप्ट यार, कोई ब्रेन को, क्योंकि ये दोबारा सड़क पे गया तो अब क्या नहीं बचेगा ये, क्योंकि जब पहली बार ठीक होके गया उसके बाद ये ब्राउन सा कुत्ता कितना खराब हो गया बेचारा।